यह अवोकाडो पका है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए एक तो थंब से दबाते हैं, ये देखिए ये दब रहा है, इसका मतलब ये पका हुआ है। और दूसरी पहचान इसकी है कि इसके टिप्स पे जो डंठल लगी रहती है, अगर यह निकल जाता है, इसका मतलब कि यह पका हुआ है। इसको यूज करने के लिए वर्टिकली चाकू से गोलाई से चारों ओर से निशान काट लेते हैं, और इसके बाद इसको हाथ से दोनों हथेली से पकड़ के घुमाते हैं। ये देखिए पूरा निकल गया, और इसे जो है ये चम्मच से निकाल लेते हैं। एक तरीका तो ये है, अवोकाडो के दूसरे हिस्से का ये पल्प निकालने के लिए हम इस बीज को चाकू से ऐसे घुमा देते हैं, बड़े आसानी से निकल जाता है। दूसरा तरीका पल्प निकालने का है कि इसको आधा काट लीजिए और इस तरीके से इसका सेल निकाल दीजिए। कच्चे अवोकाडो को केला के संग रख देने से, पके केला के संग, ये बहुत इजीली एक दो दिन में पक जाता है। यूज किया है आधा बच गया है और दूसरे दिन यूज करना है, तो हम उस एवोकाडो को बीजा सहित रखते हैं, क्योंकि बीजा भी उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है। बीजा बिल्कुल न निकाले और उसके साइड में नींबू का रस लगा दे और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख।